प्रिय बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में प्रत्यावर्ती धारा, उसी में आज का जो वीडियो है उसमें हमने जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम पहले ये देख लें, अभी तक हमने क्या पढ़ाया है। हमने पढ़ाया विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें सबसे पहले हमने परिपथ पढ़ाया था जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, और उसमें देखा था कि जो हमारी व्यय शक्ति थी वो सबसे अधिकतम थी। फिर उसके बाद फिर हमने देखा दूसरा जो परिपथ हमने पढ़ाया था वो था जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। पहले में प्रतिरोध जुड़ा था, इसमें क्या था, प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा, तो उसमें देखा हमने रिजल्ट ये निकाला था कि उसमें व्यय शक्ति थी वो शून्य थी, अर्थात बहने वाली जो धारा थी वो हमारी बाटीन धारा कहलाएगी या शक्तिन धारा कहलाएगी। इसी तरह से जो तीसरा हमने परपथ पढ़ा था वो पढ़ा था जब परपथ में कोई धारिता जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो व्यय शक्ति थी वो हमारी शून्य थी। तो इस तरह से हमने तीन परपथ पढ़े, और इन परपथों से पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूल मान, इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, वर्गमान मूल मान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर दो चीज़ें जुड़ जाएं, जैसे प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े हों, किसी परपथ में प्रतिरोध हो प्रेरकत्व हो, या प्रतिरोध हो और संधारित्र हो या धारिता हो, या प्रेरकत्व हो और धारिता जुड़ी हो, तो हमारे क्या क्या, हमारे निष्कर्ष क्या क्या होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज देखते हैं जब परपथ में प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो देखिए सर्किट इसका इस टाइप का होगा, इसको देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा प्रेरकत्व और ये हो गया प्रतिरोध। को L और ये R, इसको हम शॉर्ट में LR सर्किट भी बोलते हैं। अब देखिए ये बहने वाली धारा I, ये इस तरह से अब जब इसमें धारा परिवर्ती धारा I बहेगी, बहने वाली धारा को हम ले लेते हैं इस तरह से, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा बी एल वो किसके बराबर होगा, ठीक है, बी एल प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको ही हम वोल्टेज बोलेंगे। ये वोल्टेज क्या होगा, ये होगा बी एल बराबर होगा आई इंटू ओमेगा एल, ओमेगा एल। ऐसे ही प्रतिरोध के सिरों पर, के सिरों पर उत्पन्न उत्पन्न वोल्टेज ये होगा वी आर इक्वल टू I इंटू आर, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। लेकिन ये हमने देखा था बी एल जो होगा वो धारा से 90 अंश कला से आगे होगा, ये धारा I है ये 90 अंश और ये होगा बी एल, एल परपथ में पड़ा था। और यहां हमने देखा कि धारा भी इधर और बी आर,
तो इस तरह से ये स्थिति होगी, धारा आई बी आर, क्योंकि ये दोनों समान कलाम होंगे, और बी एल इधर होगा, ये बी ए कलाम। तो परिणामी वोल्टेज जो होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, वोल्टेज वी इजिकल टू वी स्क्वायर इजिकल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये वी आई बाहर, आई स्क्वायर बाहर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसमें हम वी अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ये इसमें प्रतिरोध भी है और ये हमारा प्रेरण प्रतिघात भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित करेंगे या ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ये होगी हमारी प्रतिबाधा। अब कलांतर देख लेते हैं, इसमें देखिए परिणामी वोल्टेज और इसमें, तो देखिए टेन फाई इजिकल टू वी एल अपॉन वी आर और आई इंटू अपॉन आई इंटू आर, तो ओमेगा एल अपॉन आर, तो ये टेन फाई बराबर अपॉन आर, और फाई इजिकल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये, इसकी जो वैल्यू होगी फाई की, जो वैल्यू होगी वो जीरो से अधिक और नब्बे से कम होगी, जीरो से अधिक और नब्बे से कम, ये फाई की वैल्यू। इसी के साथ साथ अब देखिए हमने प्रतिबाधा निकाल ली, ये निकाल ली, अब हम औसत व्यय शक्ति, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं शक्ति गुणा। देखिए कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर ये होगा वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी, तो ये होगा आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आर अपॉन जेड, और ये भी हम लिख सकते हैं इसको आर अपॉन जेड की वैल्यू ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर स्क्वायर। तो औसत व्यय शक्ति कितनी होगी, औसत व्यय शक्ति होगी इस परिपथ में, औसत व्यय शक्ति एक पर एक चक्र के लिए पी वार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो ये हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड और वी आर एम एस टू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये पी हुआ। ये व्यय शक्ति होगी, ये व्यय शक्ति न तो शून्य है और न अधिकतम है,
इस चीज को हम ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए ये तो होगी धारा, तीनों चीजें लेंगे पी वी आई। तो इसमें देखिए यहां से ये स्टार्ट होगा, ये होगा वोल्टेज, तो टी, तो ये प्लस, यहां पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस, यहां दोनों माइनस होंगे तो पी, और ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ से भी ये रिजल्ट निकलता है कि ये न तो अधिकतम होगा और न शून्य होगा, और ये औसत व्यय शक्ति इस सूत्र से दी जाएगी। तो इसमें ये जो रिजल्ट निकले, एक रिजल्ट हमारा ये जेट का निकला, और ये भी निकला कि इसमें जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से फाई कला से अग्रगामी होगा। तो इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक सरल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक परिपथ है, एलआर परिपथ है, इसको एलआर परिपथ भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें 5 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और उसमें 12 ओम का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। देखिए R बराबर 5 ओम और प्रेरकत्व 𝜔 बराबर 12 ओम। यह है हमारी प्रेरण प्रतिघात। तो जो जेड होगा वो होगा √R² + 𝜔L² तो ये हो जाएगा 5² + 12² तो ये हम सॉल्व करेंगे 25 + 144 169 = 13। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया, इसमें ये चीज थी। अब देखिए अगला परपथ लेते हैं। अगला परपथ क्या होगा, जब परपथ में प्रतिरोध और धारिता जुड़ी हो। तो देखिए उसको हम कैसे समझेंगे, जिस तरह से हमने इसको समझा उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। देखिए ये प्रतिरोध है, सॉरी इस तरह से, और ये संधारित्र। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संधारित्र को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में जोड़ रहे हैं, कोई इसको धारिता को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये परिपथ है, इस तरह से इसमें इसको R और ये C, इसमें VR और ये VC, बहने वाली धारा ये। अब देखिए मान लिया परिपथ में बहने वाली धारा I = I0
साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये हमारा पहला समीकरण। अब देखिए प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, के सिरों पर आरोपित वोल्टेज V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू होगी I इंटू आर। अब ये धारिता है या संधारित है, धारिता के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, तो V C इज इक्वल टू आई इंटू वन ओवर ओमेगा C। ये चौथा। अब हमें ये पता है इसमें दोनों समान कलाम होते हैं, धारा भी इधर और वी आर भी इधर। इसमें क्या होता है, धारा इधर और वी सी नीचे, परिणामी स्थिति ये होगी आई वी आर और वी सी। तो देखिए परिणामी वोल्टेज वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये हो गया पांचवा समीकरण। तो V I इंटू आर प्लस I इंटू वन ओवर ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इसमें I स्क्वायर बाहर ले लिया जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस वन ओवर ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू I अंडर रूट R प्लस वन ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर और वी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसको हम कहेंगे परपथ की प्रतिबाधा, ये सी आर परपथ की प्रतिबाधा। जेड से प्रदर्शित कर लेंगे या इससे प्रदर्शित भी कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन ओवर ओमेगा। ये कहलाएगी परपथ की प्रतिबाधा, सी आर परपथ की प्रतिबाधा सी आर परपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए इसमें देखिए अब हमें कलांतर चाहिए, तो देखिए टेन फाइव हम पहले निकाल लेंगे, टेन फाइव इज इक्वल टू ये होगा टेन फाइव ये वी सी अपॉन वी आर अपॉन वी आर आई वन ओवर ओमेगा सी आई इंटू। तो टेन फाइव इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा सी अपॉन आर और फाइव का मान वही होगा जीरो से अधिक और नाइन्टी से कम, ये होगा जीरो से अधिक और नाइन्टी से कम। अब देखिए दूसरी बात, इसमें ये हमने परिणामी वोल्टेज धारा से फाई कला से पश्चिमगामी होगी, हमें यहाँ पे शक्ति गुणांक और निकाल लीजिए, शक्ति गुणांक
गुणा बराबर कॉस फाई बराबर, देखिए कॉस फाई कितना होगा, वी आर अपॉन वी अर्थात आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड बराबर आर अपॉन जेड, और कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारा शक्ति गुणांक हो गया। अब देखिए औसत व्यय शक्ति, औसत व्यय शक्ति पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई और पी वार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये औसत व्यय शक्ति होगी, ये न तो अधिकतम होगी, ये न तो अधिकतम होगी और न शून्य होगी। इस चीज को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ग्राफ इस टाइप से आएगा इसका, ये देखिए पी वी आई, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे आएगा टी, ये देखिए इसमें नीचे से स्टार्ट होगा ये, ये देखिए ऐसे ये वोल्टेज होगा ये धारा होगी। तो देखिए यहाँ पे ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो औसत व्यय शक्ति ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक ये, फिर ये इस तरह से, ये तो ये हमारा था सी आर परिपथ जिसमें हमने प्रतिबाधा निकाली, कलांतर निकाला और इसमें शक्ति गुणांक निकाला और औसत व्यय शक्ति निकाली। तो इसमें हमने ये जो जो चीज़ें पढ़ी इससे हमें न्यूमेरिकल्स करने में भी सहायता मिलेगी और दोनों में हम एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं कि किस में क्या हो रहा है किस में क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परपथ था और मैं उम्मीद समझता हूँ मैं आप कि आपको ये परपथ समझ में आ गया। आप देखिए इसमें अगला जो परपथ है जिसमें हमें देखना होगा कि जब परपथ में धारिता और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो क्या स्थिति होगी। देखिए उसका सर्किट इस टाइप से होगा, ये हमने ले लिया प्रेरकत्व और ये ले ली धारिता इस तरह से, और इसको हमने ये देखिए ये L है ये C, इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो VL ऊपर की तरफ होगा VL, और इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो VC नीचे की तरफ होगा। परपथ में बहने वाली धारा धारा ये I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा। अब देखिए प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज ये होगा वी एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है। संधारित के सिरों पर वोल्टेज ये क्या होगा V I इंटू वन ओमेगा सी। अब देखिए यहां पर तीन स्थितियां पैदा होंगी, ये तो रही धारा, ये रहा VL और ये रहा VC, ये 90° आगे और ये 90°
पीछे। अब देखिए पहली स्थिति, पहली स्थिति ये होगी जब VL बड़ा हो BC से, तो क्या होगा, परिणामी वोल्टेज ऊपर की तरफ होगा और धारा इधर की तरफ होगी। ये V बराबर होगा VL माइनस BC और ये 90, तो इसमें औसत व्यय शक्ति तो शून्य होगी और इसमें जो हमारा Z होगा वो हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 ओवर ओमेगा C, ये होगा और व्यय शक्ति शून्य होगी, शक्ति शून्य होगी और वोल्टेज होगा वो धारा से 90 अंश कलांतर आगे होगा। दूसरा, जब VL छोटा हो VC से, तो स्थिति ये होगी, आई इधर और ये VC इधर, ये होगा VC, V इधर VC माइनस VL और Z इसमें होगा Z बराबर 1 ओवर ओमेगा C माइनस ओमेगा L। अब देखो तीसरी जो स्थिति होगी वो बड़ा अजीब होगी, तीसरी स्थिति जब VL बराबर VC, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इसमें एक स्थिति ऐसी पैदा होगी, इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय, और इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए इसमें स्थिति वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होगी वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर और ये होगी हाफ सी पी स्क्वायर। ये ऊर्जाएं एक दूसरे में बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी लोलक को गति कराते हैं, सरल लोलक को गति कराते हैं ये स्थिति को, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इस स्थिति में यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी, तो इसको हम कहेंगे अनुनाद की स्थिति, अनुनाद होने लगेगा और उस अनुनाद की आवृत्ति जो आरोपित वोल्टेज है उसके बराबर होगी। तो वो हम आवृत्ति निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे आई इंटू ओमेगा एल बराबर आई इंटू 1 ओवर ओमेगा सी, आई से आई कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये अनुनाद की आवृत्ति होगी, ये कहेंगे कि वैद्युत परपथ में दोलन होने लगे जिसमें चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो ये कहलाएगी अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति। वन एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी, तो ये एक अन्य परपथों से ये परपथ थोड़ा अलग हटके है और इसको हमने आपने देखा और एक नई चीज़ इसमें हमने देखी। तो इस तरह से आज हमने परपथों के कॉम्बिनेशन पढ़े, दो दो परपथों के कॉम्बिनेशन पढ़े। अब इसमें जो एक जो इम्पोर्टेंट है परपथ जिसमें हम तीनों के लेंगे, तीनों के, वो कहलाएगा ऑल इन वन, तीनों तीनों चीज़ें ली जाएंगी, इसमें आर भी होगा, सी भी होगा और ओमेगा एल भी होगा, एल भी होगा, तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके वो कहलाएगा हमारा एल सी आर परपथ। इसमें आपको होमवर्क ये है कि आप इसमें प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और धारती प्रतिघात और प्रतिरोध के मात्रक क्या होते हैं और इनके विमिश सूत्र याद करिए।